सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज, आज जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं एक सुपर बाइक की मेंटेनेंस को लेकर के। सबसे पहला पॉइंट गाइज कि अगर आप कोई 1000 cc के ऊपर की अगर बाइक अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो अराउंड 5 से 6 लाख आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा एंड देन बाकी का लोन। तो लोन जो है वो अराउंड EMI जो है वो अराउंड 22,000 to 25,000 तक का आपका EMI गिरेगा। सो गाइज, अगर आपकी जो अर्निंग जो मंथली अर्निंग है तो अराउंड 60,000 to 70,000 रहेगी तो आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे। अब आते हैं गाइज सेकेंड पॉइंट पर। तो गाइज, इस बाइक को मेंटेन करना, सबसे पहला बात गाइज कि अगर आप एक सुपर बाइक को मेंटेन कर रहे हैं तो जैसे कि बात करते हैं सर्विस का, जो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आता है इसका, तो इसमें लगता है गाइस 3 लीटर की जो मोबिल आती है वो अराउंड 3400 की आती है। तो गाइस बात करते हैं फर्स्ट सर्विस कॉस्ट का, तो अराउंड आपको 3100 ml की जो इंजन ऑयल है वो जाएगी, तो वो आता है अराउंड 3400 का। एंड देन आपका जो मोबिल फिल्टर है वो आता है 1200 का। एंड एयर फिल्टर जो है वो आता है अराउंड 1400 का। तो गाइस अगर आप इस बाइक में अगर आप BMC का फिल्टर डाल रहे हैं तो अराउंड 6000 का आता है वो। उसमें फ़ायदा क्या होता है आपको कि सबसे पहले तो आप 60,000 किलोमीटर्स तक आपको एयर फिल्टर चेंज करने का ज़रूरत नहीं होता, और प्लस इस बाइक की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। तो ये तो था गाइस फर्स्ट सर्विस कॉस्ट का। अब बात करते हैं सेकेंड सर्विस कॉस्ट, जो कि मेजर सर्विसिंग मतलब किसी भी सुपर बाइक के लिए होती है। सेकेंड सर्विस में क्या होता है कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो चेंज होते हैं। एंड देन अगर आपकी बाइक 10,000 किलोमीटर राइड कर चुके हैं तो दोनों टायर्स भी चेंज होते हैं। एंड देन वही मोबिल चेंज होएगा एंड देन एयर फिल्टर जो है वो भी चेंज होएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जो मेजर पार्ट है इसका, जो कि है आपका टायर्स। टायर्स अराउंड आपको 35,000 का आपको टायर्स आता है। एंड देन एयर फिल्टर जो है वो अराउंड 1400 का फिर से आपको चेंज कराना पड़ेगा। मोबिल वही 3500 का। एंड देन ब्रेक पैड्स, गाइस ब्रेक पैड जो है वो अराउंड 16,000 जो है वो आपको कॉस्ट करने वाली है। तो सेकेंड सर्विस जो कि 10,000 किलोमीटर के बाद आता है, तो उसमें अराउंड आपका खर्च जो है वो 70K के अराउंड का जाता है सेकेंड सर्विस में, जो कि आता है 1 साल के इंटरवल पर। सो गाइज, अब बात करते हैं एक सुपर बाइक की एसेसरीज़ की, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मेरे बाइक में क्या क्या एसेसरीज़ लगी है। तो सबसे पहला जो एक सुपर बाइक ओनर जो सबसे पहला एसेसरी जो चेंज करता है वो होता है एग्जॉस्ट। गाइज, एग्जॉस्ट का सीन क्या होता है कि अगर आप एक सुपर बाइक राइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी बाइक जो है वो स्पीड में ही चलेगी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपकी बाइक लाउड है तो दूर से ही जो क्राउड है वहाँ का या फिर जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं उनको पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ आ रहा है दूर से। तो गाइस ये जो एग्जॉस्ट है मैंने लगवाया है 62,000 का। और अभी गाइस एक और सरप्राइज़ है जो कि कुछ दिनों ऑलमोस्ट 30 डेज के बाद फिर से आने वाला है कुछ सरप्राइज़, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस एग्जॉस्ट जो अराउंड आपको कॉस्ट करेगा 60,000 to 70,000 एक सुपर बाइक में एग्जॉस्ट चेंज कराने के लिए। देन फ्रेम स्लाइडर्स जो कि आते हैं 18,000 का। गाइस फ्रेम स्लाइडर जो है एक सुपर बाइक में मस्त है, बिकॉज जब भी आप गलती से भी अगर आपकी बाइक जो खड़ी है अगर वो फॉल कर गई लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, तो ये जो आपके फ्रेम स्लाइडर्स है वो आपके बाइक का ये जो पूरा का इंटायर जो पार्ट है उसको सेव करता है। ऑल दो गाइज स्पीड में अगर आप क्रैश करते हैं, सपोज़ करें आप 100 या फिर 120 के अराउंड का, फिर कोई नहीं बचाने वाला आपको, नॉट इवन दीज फ्रेम स्लाइडर्स। एंड शील्ड जिसको मैंने मंगवाया है अमेजन पर से अराउंड 4000 का ये मंगवाया था मैंने। एंड देन ये मंगवाया है, ये है आपको टैंक पैड है, ये इंटायर जो ये जो पोर्शन है उसको पूरा का पूरा कवर करता है। ये मंगवाया था मैंने 5600 का। एंड देन ये जो पार्ट है गाइस मैंने इसको रैप कराया पूरा का पूरा, बिकॉज जब भी मैं राइड पे जाता हूँ या फिर कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ तो यहाँ पे गाइस टैंक पैड जो है वो लगाता हूँ मैं। टैंक पैड लगाने की वजह से ये जो पोर्शन है इस पर आ जाते हैं स्क्रैच, तो उससे बचने के लिए
ये पूरा के पूरा मैंने लेमिनेट करा करके रखा है। इतना ही एसेसरीज जो है जो कंपलसरी होता है एक सुपर बाइक में, वो सब मैंने कस्टमाइजेशन कराई है। गाइस ये टैंक ग्रिप भी है यहाँ का, पहले था एक्चुअली वो जो लास्ट टाइम जब बख्तियारपुर जो फोर लेन है वहाँ पर राइड कर रहा था तो मेरा टैंक ग्रिप लिटरली उड़ गया था और पीछे में थे गौरव भैया अपने निंजा 1000 से लिटरली उनके फेस के यहाँ से क्रॉस किया था। तो भाई अभी फ़िलहाल टैंक ग्रिप्स नहीं है, ऑल दो ऑर्डर कर दिया मैंने तो वो कुछ दिनों में आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक टैंक ग्रिप भी आ जाएगा। टैंक ग्रिप गाइस 4500 का कॉस्ट किया मुझे यहाँ पे, वो भी कंपलसरी होता है एक सुपर बाइक में बाय द वे। एंड देन एसेसरीज की बात गाइस हो गई, इतना ही लगा कर रखा है फिलहाल। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सुपर बाइक को क्लीन कैसे करते हैं या फिर कितना खर्च गिरता है जब आप क्लीनिंग के लिए अपने बाइक को लेकर के जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप ये देखेंगे तो वीक में एक दिन तो आप ऑब्वियस है कि अपने बाइक को क्लीन कराने लेकर के जाएंगे। तो कैसे अगर आप बाहर में फोम वॉश करवाते हैं तो अराउंड 150 रुपये का खर्च गिरता है एक बार फोम वॉश करवाने का, तो विच मीन्स कि मंथली जो है आपका 600 जो है आपका क्लीनिंग पे जाएगा। देन इसके जो चेन है उसको आपको 500 किलोमीटर्स पे ल्यूब एंड क्लीन बोथ करना होता है। तो अराउंड गाइस एक बार ल्यूब करने का 50 रुपीज़ चार्ज लगता है इसका एंड 50 रुपीज़ क्लीनिंग एज वेल। तो विच मीन्स कि एक मंथ में अगर आप कंटिन्यू अगर आप राइड कर रहे हैं आप अपनी बाइक को तो अराउंड 200 रुपये का खर्च तो डेफिनेटली है कि आपके चेन पे गिरेगा, विच मीन्स कि क्लीनिंग करने में आपको एक मंथ में जाएगा 600 एंड प्लस 200 800 का जो कॉस्टिंग है वो प्रॉपर आप गिरने वाला है इसका क्लीनिंग में से। सो गाइस अब बात करते हैं जो सबसे मेजर इशू होता है एक सुपर बाइक के लिए, वो है जब आप शहर में राइड करते हैं अपनी सुपर बाइक को तो बहुत ज़्यादा हीटअप होती है। वो इसलिए होती है गाइस बिकॉज ये सब बाइक्स जो है वो धीरे चलने के लिए बनी नहीं होती हैं। गाइस ऑब्वियस है 200 BHP की बाइक है एंड 1340 cc है इसमें, तो गाइस बाइक में जो है फुल्ली पावर्ड है ये, तो ये ट्रैफिक में चलने के लिए बनी नहीं है। ऑल दो गाइस अगर आप खरीद रहे हैं तो हमेशा तो इसको ट्रैक पर चलाएंगे नहीं, तो जब हम लोग शहर में घूमते हैं ये सब बाइक से तो ये सब होती है गर्म बहुत ज़्यादा, और अगर ये ट्रैफिक में फंस गए तो गाइस एक सजेशन है मेरा या फिर ये कोई ट्रैफिक सिग्नल पे आप हैं तो कभी भी अपने बाइक्स को बंद ना करें। और ना क्या होता है जैसे मैं लास्ट टाइम अभी सैटरडे को जब मैं निकला था तो मैं एक डाक बंगलों के पास जो सिग्नल है वहाँ पे खड़ा था तो 120 सेकेंड्स का स्टॉपेज था, तो मैंने क्या किया था कि अपने जो बाइक है उसको बंद कर दिया था। उसके बाद ये बाइक स्टार्ट करने में जो दिमाग ख़राब हुआ है मेरा, मतलब ऑलमोस्ट मैं 20 मिनट जो है साइड में बाइक को पार्क करके खड़ा होकर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो स्टार्ट होगा ये। बट गाइस अगर आप अपने बाइक को बंद नहीं करते हैं तो वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी इसकी, और ये बंद खुद से तो बंद होगा नहीं चाहे कितना भी गर्म हो जाए, इसमें लगेगा रेडिएटर बड़े से वो सब अपना काम प्रॉपर करते हैं। तो जब भी आप ट्रैफिक में हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर हैं तो अपनी बाइक को बंद कभी ना करें। तो गाइस एक जो मेजर जहाँ पे आपका पैसा जाता है एक साल में वो मैंने पॉइंट को जो है वो मिस किया है, वो पॉइंट है गाइस इस बाइक की इंश्योरेंस। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ऑल दो इस बाइक की हो चुकी है 1.5 ईयर्स, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था तो 96,000 का इंश्योरेंस लिया था इसका, और अभी जो प्रीमियम पे किया वो है 46,000 का इंश्योरेंस जो है वो भी पे किया है। मतलब कि गाइस एक साल में आपको एक सुपर बाइक पे अराउंड 1 to 1.5 lakhs जो है वो खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको अपनी बाइक को एकदम मेंटेन करना है, एकदम मिंट कंडीशन में रखना है। तो आपको ये कंफर्म है कि एक साल में 1.5 lakh आपको बाइक पे देनी ही होगी। तो गाइस अगर आप सुपर बाइक के आपको शौक है कंप्लीट करने का तो स्टार्ट अर्निंग टू मेंटेन दिस नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। बाय बाय।